नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है एक्सपर्ट डिस्कशन की, उस सीरीज में आज एक बार फिर हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है गायनेकोमास्टिया, प्लास्टिक सर्जरी और गायनेकोमास्टिया। इस बारे में हम बात करेंगे कि उसकी सर्जरी कैसी होती है, क्यों होती है, चेस्ट फैक्ट का क्या मतलब है और उसके बीच में क्या डिफरेंस है। आज इस सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ताकि आपको डिफरेंस पता चले। आपने सुना ही होगा मैन बूब्स के बारे में, और आपको ये जानकर पता चलेगा कि 40-60% इंडियन मेन के अंदर गायनेकोमास्टिया, 40-60%, बहुत बड़ी बड़ा नंबर है ये। मतलब आधे लोग, 10 में से 5 लोगों को गायनेकोमास्टिया हो जाता है एक ना एक बार, एक ना एक टाइम पे। तो इट्स वेरी वेरी कॉमन, और इसीलिए इसको समझने के लिए हमने एक एक्सपर्ट को अपने साथ बुलाया है। इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर रजत गुप्ता, जो कि बहुत आसानी से आपको आज समझाएंगे कि कैसे होता है ये, क्यों होता है ये और क्या आपको इसके बारे में जानना चाहिए। और ये वन ऑफ द टॉप प्लास्टिक सर्जन्स हैं इंडिया के, जो कि आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली के अंदर। सो वेलकम बैक डॉक्टर रजत, हाउ आर यू टुडे? हाँ जी डॉक्टर मनोज जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सो अच्छा लग रहा है आपने बुलाया, थैंक यू फॉर योर नाइस वर्ड्स अबाउट मी। और आपके साथ बात करके, आपसे डिस्कशन करके, साइंटिफिक डिस्कशन करके हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। और आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू कि आपके 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। योर चैनल इज वन ऑफ माई फेवरेट, सो कंग्रेचुलेशंस। चलो बात करते हैं गायनेकोमास्टिया की। शूट ऑल योर क्वेश्चंस। सो डॉक्टर रजत, आज आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, सो हमारा आपसे पहला सवाल ये होगा कि गायनेकोमास्टिया और चेस्ट फैट, उसमें क्या डिफरेंस है? सो गायनेकोमास्टिया तो है ब्रेस्ट में टिश्यू या ग्लैंड बन जाना, उसके अराउंड थोड़ा बहुत फैट भी डिपॉजिट हो सकता है। सो गायनेकोमास्टिया है ब्रेस्ट ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस फैट, और चेस्ट फैट है सिंपल फैट। कैसे पता लगाएं कि डिफरेंस क्या है? अगर आपको गायनेकोमास्टिया है तो आपका एरियोला का साइज, निप्पल के अराउंड होता है एरियोला, उसका साइज भी बड़ा होगा। अगर आपको सिर्फ चेस्ट फैट है तो एरियोला का साइज बड़ा नहीं होगा। दूसरा तरीका, अगर आप अपने टिश्यूज को पकड़ें, पकड़ के देखें दोनों हाथों के बीच में, यू जस्ट होल्ड द टिश्यूज, तो अगर गायनेकोमास्टिया होगा तो वो आपको हार्ड सा फील होगा, और अगर सिर्फ चेस्ट फैट होगा तो वो फैट जैसा सॉफ्ट फील होगा। ये 2 तरीके हैं जिससे आप बता सकते हैं कि क्या आपको गायनेकोमास्टिया है या सिर्फ चेस्ट फैट, जिसको बोलते हैं सूडो गायनेकोमास्टिया, वो है। सो डॉक्टर साहब, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये एक अननेसेसरी प्रोसेस नहीं है सर्जरी का? क्या लोग जिनको जरूरत नहीं है, जिनको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा रहने में कोई दिक्कत नहीं है, वट एवर, तो क्या उनको भी गायनेकोमास्टिया के सर्जरी के प्रोसीजर पे जाना चाहिए? सो डॉक्टर साहब, ये अननेसेसरी स्टेप तो नहीं है। देखो, जिसको गायनेकोमास्टिया होता है, अगर आप उनसे बात करें, उनको समझें, दे आर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब। किसी भी मेल को फेमिनिन लगना अच्छा नहीं लगता, सो अगर वो उससे परेशान है, इट इज अफेक्टिंग देयर साइकोलॉजी। जिसको गायनेकोमास्टिया होता है ना, बहुत सारे लोगों को, वो थोड़ा ऐसे बैठते हैं चुपके, they don't sit like male confident personality, you see shoulders back, because वो जैसे shoulders back करते हैं उनका chest ज़्यादा prominent हो जाता है, so they feel embarrassed, they do not go for swimming, they do not go for beach holiday, so it affects their psychology. So if you think that there is a problem and it is affecting you mentally, psychologically, it can be simply treated permanently by a 30-40 minutes procedure. So बहुत आसान सा है, आप treat करा लें। हाँ, अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि अगर मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, देन यू डोंट नीड टू डू इट, बिकॉज ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, कॉस्मेटिक करेक्शन करने की जरूरत है, और जिससे आपका बॉडी इमेज इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन की,
तो मेरे हिसाब से लोगों के मन में ये जिज्ञासा सबसे ज्यादा आती होगी कि भी यहाँ स्कार आ जाएगा, अगर कोई वहां पर मार्क आ जाता है, निशान आ जाता है, तो फिर वो कैसे लगेंगे। तो उस चीज के बारे में प्रोसीजर को समझना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, ताकि उनके मन का जिज्ञासा जो है कम हो। तो इसके बारे में आप कैसे बताएंगे कि भाई स्कार जो है आता है नहीं आता है, और क्यों मिनिमम आता है, ऐसी क्या करते हैं सर्जरी में? सो सही पूछा आपने। देखिए, मेरा मकसद ये है कि जिसको भी गायनेकोमेस्टिया है उस मेल पेशेंट को मैस्कुलिन चेस्ट मिल जाए विदाउट एनी विजिबल स्कार ऑन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। आप खुद सोचिए, जो स्विमिंग और बीच हॉलीडे पे नहीं जाते, अगर हमने उसको फ्लैट चेस्ट दे दिया लेकिन निशान दे दिया, वो स्विमिंग या बीच हॉलीडे तो फिर भी नहीं जाएंगे। सो मैं जिस तरह सर्जरी करता हूं, छाती के साइड में 3 से 4 मिलीमीटर का कट आता है, दैट इज इट, उसी से पूरी सर्जरी की जाती है। अच्छा, क्या आप इसके जो ग्रेड्स हैं उसके बारे में बता सकते हैं गायनेकोमास्टिया के? हाँ जी बिल्कुल, गायनेकोमास्टिया के 4 ग्रेड्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि क्या ग्रेड है, थोड़ा बहुत सर्जिकल टेक्निक डिफर कर सकता है, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, डिपेंडिंग ऑन कि कितना एक्सेस ब्रेस्ट टिश्यू है और कितनी एक्सेस स्किन है, उसके बेसिस पे ग्रेड्स डिसाइड किए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन ग्रेड सर्जिकल टेक्निक माइट डिफर अ बिट। तो व्हाट इज द प्रोसेस प्रोसीजर यू नो जो आप फॉलो करते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर जो आप फॉलो करते हैं गायनेकोमास्टिया के ट्रीटमेंट के लिए? और जैसा आपने ऑलरेडी बताया इंसिजन्स एंड ऑल, तो वो आप इंसिजन के बाद फिर आप क्या करते हैं? तो सबसे पहले तो डॉक्टर परम जी, मैं ये सर्जरी करता हूँ फुली एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स में, जहां पे सारी सुख सुविधा है, सारी सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 से 4 मिलीमीटर का छोटा सा साइड में कट लगता है चेस्ट के, कोई सामने कट नहीं आता। हम पहले इसमें एक इन्फिल्ट्रेशन फ्लूइड डालते हैं जो फैट को मेल्ट करता है, और उसी के दौरान हम फैट को, ग्लैंड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। फिर हम एक टूल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो एयर। माइक्रो एयर से क्या होता है, ग्लैंड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है। इसके बाद हम एक टूल यूज करते हैं वेजर। वेजर से क्या होता है, जो बचा हुआ फैट है उसको वो मेल्ट करता है, इमल्सिफाई करता है, और स्किन को अंदर से हीट करता है, ताकि स्किन, हम जब फैट और ग्लैंड निकालते हैं तो लटके नहीं, स्किन हीट करके वो उसको स्किन को टाइट करता है। ये 2 स्टेप करने के बाद हम सक्शन करते हैं और फैट को और छोटे छोटे पार्ट्स में जो ग्लैंड टूट चुका है उनको सक्शन से निकाल देते हैं। अब जो थोड़ा बहुत ग्लैंड उसके बाद बचता है उसको हम एक स्पेशल फोर्सेप्स से अंदर जाते हैं और उसी साइड के 4 मिलीमीटर के कट से ही उस ग्लैंड को भी निकाल देते हैं। एट दी एंड हम चेक करते हैं कि स्किन में कोई फैट या ग्लैंड नहीं बचा, स्मूथ हो गया है पूरा चेस्ट, और उसके बाद इन साइड के कट पे एक एक टाका लगा देते हैं। पेशेंट 3 से 4 घंटे के बाद घर चला जाता है। इट इज दैट कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर दिस ब्रिलियंट वीडियो। आज पहली बार हमने लाइव सर्जरी विटनेस करी है गायनेकोमास्टिया। डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा, ताकि वो देख पाए कि ये होता कैसे है। तो सर्जरी तो हो गई, अब बात करते हैं डॉक्टर साहब इनके थोड़ी रिकवरी पे, सर्जरी के बाद जो रिकवरी होती है वो कैसी होती है और उसमें रिजल्ट्स कैसे मैटर करते हैं, रिकवरी और रिजल्ट्स के बारे में आप बताइए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट 3 से 4 घंटे के बाद घर चले जाते हैं, फ्रॉम नेक्स्ट डे दे कैन रिज्यूम ऑल द डेली एक्टिविटीज। मैं जिस तरह से सर्जरी करता हूँ, पेशेंट्स कहते हैं कि जी हमें कोई पेन नहीं हुआ, उनको थोड़ा सा टाइटनेस वाला डिस्कम्फर्ट रहता है क्योंकि सर्जरी के बाद वो एक कंप्रेशन गारमेंट पहनना होता है ताकि स्किन श्रिंक करती जाए। रिजल्ट सेम डे से दिख जाते हैं, मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे, Grade 2 और Grade 3 के सेम डे से वो रिजल्ट देख सकते हैं, और दिन पे दिन जैसे जैसे स्वेलिंग कम होती है, स्किन श्रिंकेज होती रहती है, रिजल्ट इम्प्रूव ही होते रहते हैं। एंड माइंड यू, दीज आर परमानेंट रिजल्ट्स, ये गायनेकोमास्टिया का ग्लैंड दोबारा नहीं आएगा। सो आप जब पेशेंट एक्सपीरियंस या पेशेंट्स एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या आपके प्रैक्टिस में, आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसे भी पेशेंट्स आए होंगे जिनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी अनरीजनेबल, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं? Something like that, is it?
ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ जी, कॉस्मेटिक सर्जरी में तो बहुत होता है डॉक्टर परंजीत, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरा चेहरा ऐसा बन जाए, नाक ऐसी है, नाक उस एक्ट्रेस की तरह हो जाए। सो हमारा काम होता है पेशेंट को समझाना कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट, गायनेकोमेस्टिया में ज्यादातर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है पेशेंट्स की। दे जस्ट वॉन्ट कि फ्लैट मैस्कुलिन चेस्ट बन जाए, उनका मैन बूब्स या गायनेकोमेस्टिया निकल जाए और सामने चेस्ट के निशान ना आए। सो मेरे हिसाब से जिस तरीके से हम करते हैं ये सब अचीव कर पाना बहुत आसान है और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होती। हाँ, बाकी कॉस्मेटिक सर्जरीज में, फेस की, नाक की सर्जरीज में बहुत होती हैं, बहुत बार होती हैं पेशेंट के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, और ये हमारा काम होता है उनको समझाना कि क्या अचीवेबल है और क्या अचीवेबल नहीं है। यस, आई थिंक दिस इज एन एक्सेलेंट वे टू अप्रोच द पेशेंट। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और मेरे हिसाब से अब हम लिटरली इसके इंटरव्यू के अंत तक पहुंचने वाले हैं, और तो आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से फिर एक बार शुक्रिया अदा करूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए और गायनेकोमास्टिया के बारे में इतनी डिटेल जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो इस तरीके की सर्जरी के बारे में सोचते हैं, उन 50-60% लोगों में से हैं जिनको गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम है और सोचते हैं कि पता नहीं इसकी सर्जरी अच्छी है, ये कैसे जाएगा, और इधर उधर भटक रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, ये ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, तो आप भी डॉक्टर रजत गुप्ता उनसे बात कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जन्स जो हैं इसके बारे में आपको ना सिर्फ सही जानकारी देंगे बल्कि सही एडवाइस भी देंगे। अगर आपको सर्जरी की जरूरत है तो सर्जरी कराना भी आपको एक स्पेशलिस्ट से चाहिए, ना कि किसी और से। सो डॉक्टर रजत गुप्ता, आपको उनका इंस्टाग्राम, उनका यूट्यूब, उनका फेसबुक, ट्विटर, उनके हैंडल्स हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो भी उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है इस सिलसिले में आप कर सकते हैं, और आई एम डैम श्योर आपका एक्सपीरियंस जो है A1 फर्स्ट क्लास रहेगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से। सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट याद रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। नॉलेज इज प्रिवेंशन, अच्छी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, शायद किसी काम आ जाए। और डॉक्टर रजत का भी एक चैनल है, उसके उनके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। Stay connected, stay healthy.